नमस्कार दोस्तों, माई बिग गैड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप प्रिंटर से प्रिंट तो निकालते ही होंगे, लेकिन बहुत से यूज़र ऐसे भी हैं जो कि बोथ साइड प्रिंटिंग यानी कि एक पेपर पर दोनों साइड प्रिंट करना सीखना चाहते हैं और बुकलेट प्रिंटिंग कैसे करते हैं ये भी जानना चाहते हैं। इन दोनों ही तरीकों से आप पेपर और इंक दोनों की बचत करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ई बुक आप इसलिए प्रिंट कर रहे हैं कि बाद में ऑफलाइन आप उसे पढ़ सकें, तो बुकलेट प्रिंटिंग सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का। आप इन तरीकों को अपनाकर पेपर और इंक दोनों की बचत कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं बुकलेट प्रिंटिंग और बोथ साइड प्रिंटिंग कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक लेज़र प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है, तो आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके प्रिंटर में पेज पर प्रिंट किस साइड होता है। जैसे ये लेज़र प्रिंटर है और जब हम इसमें कोई प्रिंट करते हैं तो वो पेज के ऊपर वाले साइड में होता है। जब हम इस प्रिंटर में पेज को इस तरीके से लगाते हैं तो जो प्रिंट आउट आएगा वो इसके ऊपर वाली साइड में आएगा। बहुत से प्रिंटर्स में ये जो प्रिंट आउट है वो पेज के निचले हिस्से में आता है। तो ये पहले सुनिश्चित कर लें। मैं आप उसको प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि हमने जो पेज लगाया है उसके ऊपर वाली जो साइड है, जो टॉप साइड है, उस पर प्रिंट निकल के आएगा। हालांकि जब पेपर प्रिंटर से बाहर आएगा तो वो आपको नीचे साइड में दिखाई देगा, लेकिन असल में जो प्रिंट आउट है वो पेज के टॉप वाली साइड पर है। तो ये चीज़ पहले सुनिश्चित कर लेंगे आपके प्रिंटर पेज को किस साइड में प्रिंट करता है। अब हम जानते हैं कि बोथ साइड प्रिंटिंग कंप्यूटर से कैसे करते हैं। तो बोथ साइड प्रिंटिंग करने के लिए हमने एम एस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। इसे डबल क्लिक करके आप एक्रोबेट रीडर में ओपन कर लीजिए। फाइल मेन्यू में जाइए और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट रेंज में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑड पेज ओनली और इवन पेज ओनली। जब आप ऑड पेज पर क्लिक करेंगे तो आप पहले, तीसरे और पाँचवें इस तरीके से पेजों को प्रिंट करेंगे, और जब आप इवन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे, चौथे और छठवें पेज को आप प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं ऑड पेज ओनली को। यहाँ पर आप इस ऑड पेज को सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे सभी ऑड स्पेस का प्रिंट बाहर आ गया है। अब आप देखेंगे कि आपका पेज नंबर एक, पेज नंबर तीन और पेज नंबर पाँच प्रिंट होके आ गया है। इन पेजों को बड़ी सावधानी से उठा लीजिए और प्रिंटर को ओपन कीजिए, और सिंपल आपको इस तरीके से पलट के इनको रखना है। यानी अगर ये ऐसे प्रिंट निकल के आया है तो आपको इस तरीके से पलट के रखना है कि पेज नंबर एक आपका ऊपर हो जाए और बाकी पेजेस आपके नीचे आ जाए। इस तरीके से पलट के इन पेजेस को अपने प्रिंटर में लगा दीजिए। और अब हम प्रिंट करते हैं इवन पेजेस को। ऑड पेज का प्रिंट निकलने के बाद में आप यहां से दोबारा इवन पेज को सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे पेज नंबर एक के पीछे पेज नंबर दो आ गया है, तीन के पीछे चार आ गया है और पाँच के पीछे पेज नंबर छः आ गया है। ये सबसे आखिरी पेज था। तो इस तरीके से आप ऑड और इवन पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बुकलेट प्रिंटिंग कैसे करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। बुकलेट प्रिंटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट पर जाना है और यहाँ पर आपको पेज स्केलिंग में बुकलेट प्रिंटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसे क्लिक कर दीजिए और ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको पेज कैसे लगाना है। तो यहाँ पर इसे एक बार देख लीजिए जो प्रिंट होगा वो किस तरीके से होगा, और इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए पेज प्रिंट होके आ गए हैं। अब इन पेज को आपको अपने ट्रे में सिर्फ इस तरीके से घुमा के लगाना है, यानी यहाँ से जो प्रिंट निकल के आया है इसको इस तरीके से पलट दीजिए, और पलटने के बाद में आप इसको अपनी ट्रे में लगा दीजिए और ट्रे को बंद कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुकलेट है वो तैयार है। बस आप उसको फोल्ड करना है और आपकी जो बुक है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज नंबर एक है, फिर पेज नंबर दो है, पेज नंबर तीन है और चार है, उसके बाद पेज नंबर पाँच है। क्योंकि यहाँ पर कम ही पेज थे तो इसलिए एक पेज खाली आ गया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पेज प्रिंट करेंगे तो आप इसे अच्छी सी बुकलेट बना सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको इसको निकालने में कुछ परेशानी हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे दो चार बार में आप अच्छे से बुकलेट और ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग दोनों को कर पाएंगे। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और एक बात ध्यान रखें कि कमेंट में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर न लिखें, क्योंकि ये वहाँ पर सार्वजनिक हो सकता है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे help@mybigguide.com पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।